हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या से शुरू करेंगे। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं रैशनल नंबर कहलाती है, जहां पर पी और क्यू जो है पूर्णांक हो तथा क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। मतलब परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर क्या हुआ? डेफिनेशन के अनुसार पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या हुई, जहाँ Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो। जैसे ज़ीरो बटे वन बराबर ज़ीरो। ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। चार ले लिए, चार बटे सात, दो बटे नौ, माइनस में तीन बटे आठ, इस तरह से बहुत सी परिमेय संख्याएं होती है। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती है? सभी धन ऋण शून्य सम विषम भाज्य अभाज्य क्रमागत संख्या मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ये सभी संख्याएं जो होती है ये परिमेय संख्याएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन सब के हर में अगर एक लगा दिया जाए तो ये परिमेय संख्या बन जाती है, परिमेय संख्या के रूप में बदल जाती है। एग्जाम्पल में क्या होगा? एक धन संख्या है, इसके बटे में एक लगा दिए, एक एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसी तरह और किसी भी संख्या के हर में जो हम लोग एक लगाकर उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को अनंत रूपों में लिखा जा सकता है, जैसे एक बटे दो बराबर हो जाएगा तीन बटे छः, चार बटे आठ, पाँच बटे दस, इस तरह से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, अनंत। आइए कुछ और परिमेय संख्या देखते हैं। जैसे हमने लिखा दो बटे चार,
इसका मतलब होता है 0.5। तो ये 0.5 जो ये भी एक परिमेय संख्या है। दूसरा एक देखते हैं 1/8, इसको अगर दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.125, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये तो है ही। एक और देखते हैं 3/4, इस तरह से तीन तीन आता जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं आवर्त दशमलव संख्या। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद रेगरिंग में आ रहा है। ठीक है, अब दो परिमेय संख्या के बीच में अगर हमें एक परिमेय संख्या निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? मान लिया जाए एक परिमेय संख्या x और दूसरी है y, और दोनों के बीच की एक तीसरी परिमेय संख्या निकालनी, तो हम कर देंगे x प्लस वाई बच्चे में 2। ये हो जाएगी तीसरी परिमेय संख्या। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 1/2 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं। क्या क्या है? 5/12 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 19/48, 19/48 हो गया, 9/24 हो गया, ऐसे कर करके बहुत सारी परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हमारा पहला था। दूसरा देखते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको कि इरेशनल नंबर भी कहते हैं। क्या होती है अपरिमेय संख्या? जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उन्हें अपरिमेय संख्या होते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल √2, √5, √8, और एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे पाई का। पाई तो आपको पता ही है, ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ और जानते हैं। अपरिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी धन पूर्णांक संख्या जो कि पूर्ण वर्ग
ना हो कोई भी धन पूर्णांक संख्या जो कि पूर्ण वर्ग ना हो इन संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। अब चलिए पाई के बारे में जानते हैं ये कैसे अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई का मान होता है 3.14159। ये एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि पाई जो होता है वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई जो है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो इसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, पाई के मान को 22/7 लिख देते हैं, जो कि पाई का सटीक मान नहीं होता है। पाई इक्वल टू 22/7 लिख देते हैं सुविधा के लिए, लेकिन वो पाई का सटीक मान नहीं होता है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय, ये क्या है, ये परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, ठीक है। आगे एक तीसरा देखते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब रियल नंबर क्या होता है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हम रियल नंबर बनाते हैं, माने वास्तविक संख्या बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, 4, 0, 6, 3/4, 1/8, पाई, √5, √8, -3। इत्यादि। आइए अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल n या स्मॉल n, मतलब n या n बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 .. इन्फिनिटी, ठीक है। अगला देखेंगे पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी ऐड कर लेने पे वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं,
W बराबर, बस कुछ नहीं करना है, जीरो पहले इस समूह में ऐड कर देना है इन्फिनिटिव तक, ये हो गया पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ऋण पूर्णांक नेगेटिव नंबर्स, और जीरो के समूह को एक साथ पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। कौन कौन हो गया पॉजिटिव में? वन टू थ्री डॉट 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 इन्फिनिटिव। नेगेटिव में हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट 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 इन्फिनिटिव ज़ीरो। ठीक है, इन तीनों को हम लोग एक समूह में जब मिलाते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक संख्याओं का समूह। और पूर्णांक संख्याओं को, संख्याओं के समूह को हम आई से डिनोट करते हैं, आई मतलब इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव डॉट 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, उसके बाद ज़ीरो वन टू थ्री डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये हो गया इंटीजर्स का समूह। अब देखिए निगेटिव नंबर्स में, मतलब निगेटिव इंटीजर्स में सबसे छोटी संख्या क्या है? निगेटिव इंटीजर्स में, इसमें सबसे छोटी संख्या है माइनस इन्फिनिटिव, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? माइनस वन। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक और भी देख सकते हैं, सम संख्या मतलब इवन नंबर। क्या होता है? दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव होता है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव, नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव हो गया ये, और नेगेटिव होता है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या मतलब ऑड, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती है उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव हुआ एक तीन पाँच सात डॉट 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 इन्फिनिटिव, नेगेटिव हो गया माइनस वन
माइनस थ्री, माइनस फाइव, माइनस सेवन, डॉट 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 इन्फिनिटिव। अगला है भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है। वे धन संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। मतलब वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 6, 8, 9, 12, 15, 21। देखिए ये एक से भी विभाजित है, स्वयं मतलब 6 से भी विभाजित है, 2 और 3 इससे भी विभाजित है। भाज्य संख्या के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम तीन नंबर से, तीन संख्या से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या, मतलब जिनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? तो वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बहुत सारी संख्या हैं। अभाज्य संख्या के लिए क्या जरूरी है? सॉरी, अधिक से अधिक को दो संख्याओं से विभाजित हो सकती है, मतलब एक से और स्वयं से। अब इसमें दो को देखिए, दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या भी है और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। एक वो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि यह केवल स्वयं से ही विभाजित होता है। ये नहीं है और ये अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या जिसको कि हम लोग को प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या होता है ये को प्राइम नंबर? तो संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ, याद रखिए उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे जोड़ों की दो संख्याएं परस्पर सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 15, 17 एक ग्रुप है, इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ
विभाजक नहीं है, केवल एक ही है। एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ, गुणनखंड या विभाजक नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चार और तीन, ठीक है, 16, 25, 15, 17, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब म स एक होता है, म स एक होता है, वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।